कांधे पे सूरज टिकाते चला। नेक्स्ट, स्टेप डाउन मणिपुर सीएम स्टेप डाउन। व्हेन आई से स्टेप डाउन यू से मणिपुर सीएम स्टेप डाउन। नेक्स्ट, जवाब दो आवर जनरल सेक्रेटरी ऑफ आम आदमी पार्टी स्टेट अरुणाचल प्रदेश जीएस। सो प्लीज सर, आप आइए। और सभी को नमस्कार। जितने भी माताएं आए हैं आप सबको प्रणाम। और बेटी आया है आज एक इस दुखद घड़ी में हम सब मणिपुर का साथ देने के लिए आप सब यहाँ आया है। यहाँ आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी मत देखिए। आप आपका भी बच्चा होगा, आपका भी बेटी होगा, आपका भी घर में माँ होंगे। जिस तरह से हमारा मणिपुर जल रहा है उसी तरह से हम सबको भी दुख दर्द महसूस करना पड़ रहा है। हम सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज मणिपुर में ऐसा घटना जो हमारा दुनिया का सामने में जो घटना बड़ा घटना हादसा हुआ वैसा ही घटना अरुणाचल में भी हो सकता है। The similar incident may took place in Arunachal Pradesh. So therefore, cutting all political affiliation, I would like to appeal the people of Arunachal Pradesh to come join this protest rally. Let us make our society crime-free society. We should stop crime against women. We should stop crime against our daughters. हम अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए। हम अपने माँ को इसलिए सम्मान करते हैं, वो हमें पालन पोषण करते हैं। अगर माँ ना होता तो इस संसार में कुछ भी ना होता। जो आज एक माँ को, एक बहन को, एक बेटी को नंगा करके घुमा रहा है वो भी किसी का बेटा होता होगा। उनको ऐसा हरकत करना नहीं चाहिए। आज यहाँ से हम लोग स्ट्रॉन्ग मैसेज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दुनिया का सामने भारत के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और पूरे संसार में एक मैसेज जाना चाहिए कि हम सब अपने बेटी को, अपने माँ को, अपने दीदी को, अपना बच्चे को सम्मान करते हैं। शुरू हो चुका है केंद्र लाइव से मणिपुर क्या है आप देख रहे हैं। डियर व्यूअर्स, तो यहाँ पे जो है आज कैंडल लाइट डे, तो उनके बारे में क्या कहना है? रैली में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके। और ये सॉरी डिस्ट्रिक्ट में हमें बहुत अच्छा लगा और मणिपुर को हम सेव करना चाहते हैं। हमारे अरुणाचल प्रदेश का लोग और हमारे आम आदमी पार्टी के तौर से और हमारे आम आदमी की पार्टी से हम लोग आज सॉरी डिस्ट्रिक्ट दे रहा है। मणिपुर गवर्नमेंट, हाय हाय मणिपुर गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट, मणिपुर गवर्नमेंट, मणिपुर। चलते हमने अरुणाचल आम आदमी पार्टी यूनियन आज हम लोग ने 5 बजे आकाश दिवस लगे टेनिस कोर्ट में हम लोग आज कैंडल पीसफुल कैंडल मार्च किया गया यहाँ पहुँची है। तो हमारा यही मकसद है, जो मणिपुर में जो बेटी के साथ में हुआ है बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही गंभीरता आरोप होता है, दिस इज़ ए वेरी स्ट्रांग कंडेमनेबल टू एवरी सोसाइटी, तो हर समाज में ये एक वोट कंडेमनेबल है। तो इसी चलते आज बेटी को हम उसके लिए जस्टिस चाहे, आज हम उस साथ अरुणाचल का जितना युवा हम लोग आज मणिपुर के साथ खड़ा है ताकि उसको जस्टिस दे, उसको स्पीड डिलीब्रेशन हो, जस्टिस दो, क्योंकि उसका दरिंदा 50 और 40 आदमी मिलके जो उसका साथ दरिंदे हरकत किया, उसको नंगा प्रसाद नंगा करके नकेद करके उसको पेरेद ले गया, ले जाके उसको जबरदस्ती रेप किया गया दो लड़की के साथ। एक के बुजुर्ग आपका औरत होगा 50 साल का उम्र का होगा और एक जो 28 क्लास होगा जो उसका साथ बहुत ही गंभीरता ये उन साथ में किया है उसका। इसलिए हम पूरे आम आदमी पार्टी अरुणाचल यूनिट उसके निंदा करता है, बहुत ही हम स्ट्रॉन्ग कंडेम करता है आज। तारा जी, खासकर आप हम लोग का जो आम पब्लिक है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए इंटेलेक्चुअल? देखो मैं आज हम लोग इस इंटेलेक्चुअल का दुनिया में है, तो मैं आज एक इंटेलेक्चुअल हूँ, तो मैं पूरी समाज को सिर्फ मणिपुर के लिए नहीं है, सिर्फ अरुणाचल के लिए नहीं है, मैं एक अरुणाचल का युवा नाते मैं पूरे देश का युवा को जनता को मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि आज का सिविल सोसाइटी में अगर कोई ऐसा दरिंदा कोई ऐसा हरकत आने वाला समय में ना करे, क्योंकि ये एक समाज को बदनाम करता है। समाज क्यों, समाज में मैं और आप तुम है और कोई नहीं है, यहाँ में सबका शरीर है, सबका खून बराबर है, आप चाहे काला हो गोरा हो सफेद हो जो भी हो, आखिर आपका काटा जाएगा तो आपका खून लाल होगा। इसलिए समाज यहाँ में कोई रिलीजियस नहीं है, कोई एक दूसरे का रिलीजियस में अगेंस्ट नहीं करना चाहे, एक दूसरे का जातिबाजी में अगेंस्ट नहीं करना है, कास्ट में अगेंस्ट नहीं करना है, ऊंचा नीचा बात नहीं करना, समाज एक ही है, हम लोग इस समाज को आगे एक ही समझ में लेके जाना है, यही एक मैसेज रहेगा कि आने वाले समय में ऐसे मणिपुर जैसा ऐसे दरिंदा हरकत नहीं करना चाहिए, उस जहाँ सोसाइटी जहाँ नहीं सोच पाता उस हद तक नहीं जाना चाहिए, यही मेरा मैसेज है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी हमसे सर बातचीत करने के लिए। अभी जो रैली कैंडल लाइट कैंडल जो मार्च किया है, ये जो प्रॉब्लम जो है मणिपुर में जो हो रहा है, तो ये सारा ये जो है कंट्री का मतलब इसको
कंट्री का जानना चाहिए, क्योंकि उसमें जो इनह्यूमन किया है जो दो लेडी को उसको लेके। और दूसरा बात जो है मेरा वही है, क्योंकि वहाँ में मिट्टी और ये जो आपका कुकी का लड़ाई हो रहा है, जो इशू जो वही है कि मिट्टी और कुकी, कुकी को कुकी जो है हमारा जो ट्रैवल है नॉर्थ ईस्ट का, जो पर्टिकुलरली मणिपुर का, जो मिट्टी जो है नॉन ट्रैवल है। तो अगर नॉन ट्रैवल को जो है जो जो मिट्टी ट्रैवलों को जो है इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसको इसकी कोटा में स्पेशल राय दिया हुआ है, जमीन दिया, जमीन अपना जो एक जुरिडिक्शन है जगह, इस तरह का मतलब धीरे 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 मतलब जमीन को इसका ट्रैवल का जमीन को आपका जो ऑक्यूपाइड करने के लिए इस तरह का करते हैं। अभी जो मणिपुर में हो रहे हैं और कल को झारखंड में होगा, उत्तराखंड में होगा, जो अरुणाचल में होगा, असम में होगा, ये सब बढ़ते थे। इसलिए ये सब चीज़ को देश में शांति रखने के लिए ये सब चीज़ को ख़त्म करना है, अभी से ख़त्म करना है। यहाँ में कोई पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं सोचना है, एज ए इंडियन हम लोग साथ दे रहे हैं और स्पेशल नॉर्थ ईस्ट का एक नागरिक होने का नाते। थैंक यू। तो इतना दिन तक एक स्टेट को ऐसा रखना भी बहुत बड़ी बात है, और इस इशू में हमारा भारत की जितने भी जनता है वो सड़क भी उतरना चाहिए, और इस इशू में कोई पार्टीबाजी का भी जरूरत नहीं पड़ते हैं, ये जनता का ही काम है। और मोदी साहब को अपील है, अमित साहब को अपील है, तुरंत जल्दी से जल्दी आप मेरे जो लेट हुआ वो जाने दीजिए, और अभी से जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करें, ये इशू को रुकाने से ठीक है। जो 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 कैंडल रख लेगा वो लोग।